देखो भाई तुम्हारा नाम लिखा है, पीक भी लिख दिया, कुंवर का नाम लिख दिया। पूजा दीदी का इतना अच्छा मेहंदी लग दिया। अरे कसम से जो ऊपर जाके हम गाली दिए है ना, हमको याद नहीं है कि वो जो रॉकेट पे हमको बैठा के लोग छोड़ा है। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में देख सकते हो सब लोग मेरे पीछे हैं, ये दोनों बच्चे भी मेरे पीछे हैं, ये पांडा उधर यूट्यूब गया, इधर पूजा दीदी, इधर ये लड़की जैसी भी मतलब, और उधर सॉरी मतलब प्यार से हर निक नेम इज सॉरी हिज निक नेम इज जैसी भी हिज और हर सॉरी। तो लास्ट डे ब्लॉग नहीं आया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप सभी से। मुझे पता है आप लोग इतने अच्छे हो कि आप मुझे माफ कर दोगे। तो काम बहुत है आज, मेरी बाबू ने मेरा फेशियल किया है, मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी हम चमक रहे हैं। आपको हम बताते हैं, बैक कैमरा ओपन कीजिए, काला बैक कैमरा ब्लॉगिंग होता है, काहे नहीं होता है, फ्रंट से खूबसूरत लगते हैं हम, इसलिए ब्लॉग करते हैं ताकि चेहरा साफ दिखे ही नहीं। चेहरा साफ दिख रहा है, खूबसूरत लग रहे हैं हम ब्लॉग दोस्तों। और एक चीज कि अगर हम आज के बाद उलूर जुलूर बात करें ब्लॉग में तो प्लीज हमको माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो रॉकेट पे हमको बैठा के लोग छोड़ा है ऊपर जाके घूम गया है, कहाँ आप लोग छोड़ना पड़ेगा ना, दौड़ा पड़ गया है। और कसम से जो ऊपर जाके हम गाली दिए है ना, हमको याद नहीं है कि वो गाली हम दिए हैं, कसम से लगा कि मैं मर गई बस अब बचूंगी नहीं। ये लड़की को कुछ नहीं लगा क्योंकि ये ज्यादा ऊपर तक नहीं गई, ये कम ही रह गई, ये तो जाने के बाद ऊपर देखो। तो यार पता है क्या, इन लोग का बात चलता रहेगा। तो मैं एक चीज बता दूं कि अभी मैं जा रही हूँ मार्केट अपने लहंगे को देने के लिए, सिलने के लिए, लहंगा और ब्लाउज दोनों देना है मुझे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लेना, ठीक है। चलो ए भाई साहब, भाई यार पानी डाला है मम्मी ने अभी, पांडा चलो इधर शिवम लेके आओ, लेके आओ दोनों को, जल्दी लेके आओ, चल तो तुम तो चलो, मार्क टांग के देख, एक कहां है उधर देख, अंदर चल, चल अंदर अंदर चलो, चप्पल निकाले हम, चलो मुझ मेरे पास कहां आ रहे हो, कांड करके चाहोगे कि मम्मी पर्दा डाल दे हैं, चल 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 चलो 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 चलो। पता नहीं ये इतना अग्रेसिव है ना कि गला के पास छूते ही ना ये ऐसे आवाज निकालेगा जैसे किसी ने इसके गले को दबा दिया। अरे ए पंडित चले साले हरामी, चप्पल निकाल अगर, हाँ वो देख वो बैठ गया वहाँ पे, बैठ गया वो, हाँ, तुम मेरे पीछे कहाँ, चल जल्दी चल चल। अरे पूजा दी देखो मार को, मैं मार को देख के आ रहा है, शिवम पांडा को पिटता देखा ना, तो आ गया वो आगे, चल जल्दी जल्दी आ, हम भी नहीं बचा पाएंगे बेटा, क्या हम खुद मार खाते हैं। मेरी सखी जो है मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा है ना, मम्मी आपको मेरी सखी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, मम्मी खासकर मम्मी की बेटी मैं होगी, हाँ पापा को ज्यादा पसंद आ गई शिवम, दोपहर में देखा मैंने कि दोनों बना के चाय पी रहे हैं, पापा कह रहे हैं बहुत ही अच्छा चाय बनाया बेटा तुमने। आई है इधर मेरा नाम कटवा, सॉरी मतलब मेरा नाम कटवा के अपना नाम लिखवाने के लिए, अरे अरे पूजा को शाम के टाइम तारा दिखा दिया उसने पूजा को, अरे बस 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 क्या है क्या है क्या है तुमको क्या है, चलो इधर उधर चलो, अलग अलग आज ये अलग अलग सोएंगे दोनों, दोनों अलग अलग सोएंगे आज, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं नहीं नीचे गिला है पूजा दी, छोड़ दो। ये लोग पानी पीने आए थे तो मम्मी ना इनके लिए मटके में पानी रखती है, भाई ये देखो ये छोटू का है ये बड़े का है, लेकिन हरकतें दोनों की बहुत गंदी है भाई। अरे तू भाग ना, तू भाग यहाँ से, अरे यार छोड़ दो उनको छोड़ दो, हमारे बस की बात नहीं है। अरे अरे ए बस करो चल, ए नहीं पांडा यूटू ने तुम लोगों को मार मार के हम ही ठीक कर देंगे। अरे काहे करती हो, खेलने दो ना भाई, यहाँ लोग ऐसे ही खेलता है, जानवर खेलता है, हाँ ठीक है नहीं देखा है, तुम रूम में चलो दोनों के दोनों, ए लड़ाई करोगे तुम लोग, हैं तुम लोग बहुत हुए लड़ाई करने के लिए, तुमको धीरे से मारेंगे, तुमको जोर से मारेंगे, देखो 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 देखो, अरे यार अब देखो कहाँ बैठा है ये, जाके इसी के ऊपर जाके बैठ गया है ये, हाँ नो 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 पांडा पांडा नहीं, इन लोग का तो चलता रहेगा, फिलहाल मैं जाती हूँ अपने काम की ओर मार्केट। तो अब शायद वो टाइम आ गया मार्केट जाने का, क्योंकि पिछले एक घंटे से मैं चिल्ला रही थी कि चलो चलो चलो, कोई जा नहीं रहा था, अब देखते हैं फाइनली हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो शायद मैं जाऊंगी बाइक से और मेरी फ्रेंड जो है नहीं जा रही है,
हम मैं जा रही हूँ बस। ये रहा स्लिप, बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद भैया ने मेरा लहंगा लिया है, क्योंकि शायद उनका ईद वीद आ गया है ना, तो इसलिए वो सिल के नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने आज लिया है और वो 29 को मेरा लहंगा देंगे, जबकि 2 को शादी ही है, मतलब 2 को भी शादी है, 10 को भी शादी है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ अभी तक कि मैं किस में ये लहंगा पहनूंगी, तो अब मैं जा रही हूँ घर, मिलते हैं घर जाके। तो घर आने के बाद हम लग गए खाना बनाने में, तो आज मैं और मेरी मित्र खाना बनाएंगे। मेरी मित्र जो है वो आधा से ज्यादा रोटी बना चुकी है और मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। वाह मेरा बाबू, देखो कितना सारा रोटी बना दिया और अभी भी बना ही रहा है, एकदम क्या बोलते हैं उसके स्पीड से, ट्रेन के स्पीड से। वाह रोटी फूल गया, बहुत बढ़िया। वैसे ना ये टेक्निक रोटी फुलाने का बिल्कुल गलत है, नहीं फुलाना चाहिए, इससे कोई बीमारी होता है शायद। तो ये रहा भिंडी, जय हो। तुमको और कोई काम नहीं मिला है हा? करोगे तुम नौटंकी? चलो अंदर। लगाना, पतला सा, लंबा सा। तो इधर हमें लग रहा है मेहंदी और मैं लगवाने के लिए बैठी थी, पूजा दीदी भी आ गई। क्या इंसान हो यार तुम, जिंदगी में पहली बार मेहंदी लगवा रहे हैं। ये जिंदगी में पहली बार ही सब कुछ करती है। हम लगवा रहे थे अच्छा खासा, 5 मिनट में मेहंदी वाली दीदी बड़े बड़े ही चाव के साथ मेहंदी लगा रही है। अच्छा ठीक है, लगाओ जहाँ लगाना लगा दो। पूजा दीदी का इतना अच्छा मेहंदी लग गया, दिखाओ जरा दिखाओ, और इसमें भी ये नुकसान निकाल रही है, क्या आदमी हो यार तुम। नहीं इसने बोला था बढ़ाने के लिए, मैंने ही मना कर दिया था, मुझे समझ में आ रहा है, खराब लग रहा है। खराब लग रहा है ये क्या मतलब होता है, कितना सुंदर लग रहा है ना ये, कमेंट करके बताना कितना सुंदर लग रहा है ये। तो फाइनली अब मेरा टर्न है, इतने नौटंकी और ड्रामे के बाद पूजा दीदी का मेहंदी लग गया, अब मेरा टर्न है। इसमें मेरे बॉयफ्रेंड का नाम लिख दो ना। अरे वो हमारे मन से जो भी नाम आए लिख दो। अरे भाई सब बेचारी सिंगल, उस नाम का जो आदमी होगा मुझे मैसेज करना भाई, लिखो कोई नाम लिखो, सिंगल क्या करे नहीं है कोई, तो कुछ लिखो नाम। सिंगल लोग का यही दुख होता है, सिंगल लोग का यही दुख होता है कि किसी का भी नाम लिख दो। रमेश लिख दो सुरेश लिख दो। अरे रमेश सुरेश नाम, अरे नाम नहीं चाहिए, भगा देंगे उसको अगर। यार नहीं कोई नहीं है, ऐसी बेचारी पूजा दी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। अरे कुछ मत लिखो, नहीं कुछ मत लिखो पूजा, नहीं नहीं इच्छा नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो बाबू, ई लिख दे, हम लगा देंगे स्टेटस में, जिसको समझना होगा समझ जाएगा, ई से इच्छा। तो अगर आप किसी लड़की के स्टेटस में अचानक से किसी मर्द का नाम देखते हैं हाथों पे मेहंदी के द्वारा, तो समझिए कि वो आपको दिखाने के लिए लगाई है और आपको दिखाना चाहती है। इस हालत में इस दौरान आप एक चीज तो कन्फर्म, ये राम अरे बाप, क्या नहीं क्या लिखी है, पीग नाम लिखी है, ए भगवान, पी आई जे जी, अरे तुम्हारा नाम पी, इसका आई, मेरा जी, पीग भी हुआ ना, अरे यार पीग भी लिख दिया, सुअर का नाम लिख दिया, मेरे दोस्त के कुत्ते का नाम है सुअर, फोटो की चौंक में स्टेटस में लगा है, इसका नाम है खोद रहे हम पति है मेरा ये, मेरे पति के देख रहा है क्या, देखो भाई तुम्हारा नाम लिखाया है आ जाओ। अरे यार कोई नहीं चलता है इतना, चलो अब मेरी बारी है, मैं लगवाती हूँ मेहंदी। तो अब टर्न है मेरा, मेरी दोस्त मेरे फटे हुए जीन्स का सहारा लेकर के लगा रही है मेरे हाथों पे मेहंदी, लगाइए अच्छे से लगाइएगा, तो मिलते हैं मेहंदी लगाने के बाद। तो फाइनली मेरा मेहंदी जो है वो हो गया, सीरियसली यार इतना सुंदर लग रहा है ना ये, बहुत सुंदर लग रहा है। तो बहुत हो गया मेहंदी, अब हम लोग जा रहे सोने के लिए, तो देखते हैं सुबह इसका कलर जो है वो कैसा आता है, होप सो कि अच्छा आएगा। तो बस जा रहे हैं सोने के लिए, मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये रहा मेरा मेहंदी, बहुत ही प्यारा कलर आया है सीरियसली, और मैं फिर वापस से नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ का ना मतलब जो हथेली के पास का है ना मेहंदी, इस पे देखो अच्छा कलर आया, नीचे में हर किसी के अच्छे कलर नहीं आते। तो सुबह हो गया, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चाय बन गया, ये अजीब से कलर में दिखने वाला मेरा चाय है, इधर मेरे बाबू का चाय है, बाबू बैठ के चाय पी रहा है, और इधर मेरे दूसरे बाबू का चाय है। बाबू कैसा है चाय बाबू, अच्छा है बोलो, अच्छा है।
मेरे पे भी छिड़क, एक बार बोल तो शुभ, एक बार बोल मेरे पे भी छिड़क। अरे क्या आदमी है ये। मैं इस मेहंदी को देख के सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, अभी टाइम भी हो गया है, मुझे ब्लॉग एडिट करके डालना भी है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना जरूर, मेरी मेहंदी कैसी लगी ये भी बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।